माटिया का नमस्कार। अभी हाल ही में आपने सिटी की शान नामक प्रोग्राम में मेरा साक्षात्कार देखा होगा, किंतु आज हम यहाँ रूबरू हो रहे हैं देश विदेश में प्रसिद्ध हास्य व्यंग के चर्चित नाम, कुशल मंच संचालक, हमारे अपने प्रिय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी से। और इनका साक्षात्कार मैं करने आई हूँ JKK न्यूज़ रऊफ अहमद सिद्दीकी साहब के विशेष आग्रह पे। तो डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी की शान कार्यक्रम में। नमस्कार जी। और आज हम आपसे बहुत सी बातों पे चर्चा करेंगे, आपके पसंदीदा विषय, आपकी बचपन की यादें, आज और आने वाला कल भी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक अर्थशास्त्र के विख्याता हैं और कविता, ये दोनों साथ साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, और ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले आप ये बताएं। देखिए, आपका जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र का व्याख्याता और कविता एक साथ, दरअसल क्या है कि कविता तो मेरी बचपन की सहेली है जी। वो बचपन में मेरे पास आ गई थी जब मैं पढ़ता था 7वीं कक्षा में। उस समय मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी और 12वीं तक आते आते लगभग 200 कविताएं मैंने लिख डाली थी। उसके बाद जब मैं आ गया अपने ग्रेजुएशन वाले दौर में, धीरे धीरे कविताओं की जानकारी बढ़ी। उसके बाद मैंने PhD की और मेरा मंच पर जाना शुरू हो गया था सन 1990 में। छोटी मोटी कविताएं, छोटे मोटे कार्यक्रम तो 87-88 में शुरू हो गए थे, लेकिन 1990 में मैं बड़े मंचों पर जाने लगा। अर्थशास्त्र की नौकरी मुझे मिली सन 98 में, तो कविता से तो पहला प्यार हुआ, पहली मोहब्बत हुई, और वो भीतर से आने वाली आवाज़ थी। आदमी रोज़गार के लिए किसी ना किसी स्थिति को पकड़ता है, किसी ना किसी रास्ते पर निकलता है। तो मैंने क्या किया कि पहले MA हिंदी की, मेरे कुछ पारिवारिक जनों ने और अग्रजों ने कहा कि हिंदी में रोज़गार मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि इकोनॉमिक्स में भी MA कर लीजिए। तो एक साथ दो MA हो गई, MA हिंदी भी हो गई और MA इकोनॉमिक्स भी हो गई। ये इत्तेफाक रहा कि नौकरी इकोनॉमिक्स में मिली जी। तो एक साथ पहले ही चल रही थी, उसके साथ फिर दूसरी साथ को भी साथ लिया, तो अब दोनों में आनंद आता है। और मुझे लगता है कई बार कि ये एक अच्छी स्थिति है, आप अलग अलग काम करते हैं, एक साथ अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, तो एक रोचकता बनी रहती है और एक मोड ऑफ वर्क जो है वो चेंज होता रहता है। तो एक साथ दोनों काम बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी कि पढ़ाई भी पूरा आपकी पकड़ है और कविता भी। तो ये कविता लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पूनम जी, कविता लिखने की प्रेरणा तो अपने हृदय से ही मिली, क्योंकि जब मैं कक्षा 7 में था तो मैंने बताया आपको कि मैंने सबसे पहले कविता लिखी। मेरे पिताश्री ब्रज शुक्ल घायल जी, वो मेरे जन्म से भी पहले कवि सम्मेलन करवाते थे, और जहाँ मेरा जन्म हुआ पिलखवा में, मैंने बिल्कुल अपने बचपने से, जो एक शुरुआत होती है आदमी की, ये मान लीजिए कि माँ ने मुझे घुट्टी पिलाई और पिताजी ने मुझे शब्द पिलाए नहीं, शब्द मेरे कानों में गुंजित नहीं किए, लेकिन उस परिवेश के कारण वो गुंजित होने शुरू हो गए। मैं जब शब्द को समझने लगा तो मैंने देखा कि मेरे घर पर कभी गोपाल प्रसाद व्यास आते थे, कभी बाल कवि बैरागी आते थे, कभी शिशुपाल सिंह निर्धन आते थे, और मैं 7-8 वर्ष की आयु में ही उन कवि सम्मेलनों का, घर में होने वाली बातचीत का श्रोता बन गया। उस बातचीत ने मेरे भीतर एक ललक पैदा करनी शुरू कर दी और वो ललक धीरे धीरे मुझे कविता की तरफ ले गई। छोटी छोटी बाल कविताओं से शुरुआत हुई, जैसा सब करते हैं, कोई भी कुम्हार शुरू में पक्का घड़ा नहीं बना सकता, गोल घड़ा नहीं बना सकता, वो भावनाओं के चाक पर, शब्दों की अपने डंडे से बहुत सारी चीज़ों को घुमाता है, उस पर वो कभी अलग अलग रसों से मटकी बनाता है, कभी वो अलग अलग शब्दों से अलग अलग काम करने की कोशिश करता है। तो शुरू में कच्ची पक्की कविताएं बनती रहीं, बाद में गुरु मिले, समझाने वाले मिले, तो वो धीरे धीरे एक पके रूप में लोगों के सामने आने लगे। तो आपने कहा कि बाद में गुरु मिले,
तो प्रथम गुरु तो आपके पिताजी ही, जिन्हें आपसे, जिनसे आपको प्रेरणा मिली और भीतर से प्रेरणा मिली, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके गुरु कौन हैं और आपका उनसे कैसा कैसा संबंध है और अभी हैं, सब बताएं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना यह है कि एक व्यक्ति के गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। किसी से हमने इंग्लिश सीखी वो भी हमारा गुरु है, किसी से हमने विज्ञान सीखा वो भी हमारा गुरु है, किसी से हमने हिंदी के रस का आनंद लिया वो भी हमारा गुरु है, किसी का पहनावा अच्छा लगा और उसके पहनावे ने हमें प्रेरित किया और उसने भी हमें उस दिशा में आगे बढ़ाने में मदद की, तो वो एक हमारा अलग तरह का गुरु है। प्रारंभ में पिताजी से मैं प्रेरित हुआ, लेकिन गुरु के रूप में मैं तीन लोगों को बहुत मानता हूँ जी। मैंने हास्यरस की कविताएं जो शैली अपनाई अपने प्रारंभिक दौर में, वो ओम प्रकाश आदित्य जी से प्रभावित होकर अपनाई, लेकिन मुझे शब्द का जो ज्ञान करवाया, छंदों के बारे में जिन्होंने जानकारी दी, जिनके चरणों में बहुत समय बैठकर मैं आनंदित होता रहा, सीखता रहा, जिस तरह से एक छोटी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को उसका गुरु पेंसिल लेकर सिखाता है कि यहाँ का गलत हो गया, यहाँ खा गलत हो गया, इसको इस तरह से ठीक किया जाए, मुझे इस तरह से सिखाने वाले रहे स्वर्गीय श्री अल्हड़ बीकानेरी जी। और अल्हड़ बीकानेरी बहुत बड़े हास्य व्यंग के सम्राट थे, ऐसा लोग मानते हैं, आप भी मानती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो बहुत बड़े शायर थे। वो अपने प्रारंभिक दौर में माहिर बीकानेरी के नाम से गजलें लिखते थे। अच्छा। 15 वर्ष तक वो पूरे देश में गजलकार के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन उनके गुरुजी ने उन्हें कहा कि अल्हड़ गजलकारों को पैसे कम मिलते हैं और तुझ पर पारिवारिक जिम्मेदारियां अधिक हैं, तो तू हास्यरस की कविताओं की तरफ हाथ आजमाने की कोशिश कर। अल्हड़ जी ने कुछ कविताएं हास्यरस में लिखी और वो रातों रात बहुत प्रसिद्धि के शिखर पर चले गए। तो उनके मूल में गीत भी थे, उनके मूल में गजलें भी थीं और हास्यरस के भी वो सम्राट बन गए। दूसरे मेरे जो गुरु रहे वो डॉक्टर कुंवर बेचैन रहे। कुंवर बेचैन जी की संजीदगी, उनका काम करने का तरीका, उनका सब चीज़ों को गंभीरता से लेना, उनको हर छोटी मोटी बात पर आपकी खामी को ठीक करने की कोशिश करना, और मैं तो उनकी कक्षा का भी छात्र रहा, मैंने PhD भी उनके अंडर में की। तीसरे गुरु मेरे रहे प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी। अशोक जी की कार्य करने की शैली, निरंतर लगे रहना, कार्यों की एक वेटिंग अपने सामने लगा कर रखना, नई नई चीज़ों के बारे में ज्ञान अर्जित करना और नए नए तरीके निकालना कविता के क्षेत्र में, तो उन सबसे मुझे लगा कि यदि अशोक जी एक साथ बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं तो मुझे भी करना चाहिए, और मैंने भी उस ट्रैक पर चलने की कोशिश की। बहुत अच्छे, आपने तो सारे शीर्ष नाम गिना दिए साहित्य के। अच्छा, तो प्रवीण जी, मैंने आपके बायोडाटा में देख रही थी कि एक लंबी फहरिस्त है पुरस्कारों की, सम्मानों की, और बहुत छोटी उम्र से, शायद 23-24 साल या से आपको पुरस्कार मिलने भी शुरू हो गए, तो आप हमें बताएंगे, हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि कौन कौन से पुरस्कार, कौन कौन से खास पुरस्कार आपको मिले और आपको कैसा लगता है पुरस्कार पाके। देखिए, मेरे गुरुजी ने, विशेष रूप से डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने मुझे ये कहा कि आपकी दृष्टि ना किसी पुरस्कार पर केंद्रित होनी चाहिए, ना किसी पारिश्रमिक पर केंद्रित होनी चाहिए, ना किसी पुस्तक पर केंद्रित होनी चाहिए। वस्तुतः जो आपके भीतर है, आप उस रचना को शब्दों के रूप में, अपनी रचनात्मकता के विभिन्न आयाम जो भी हो सकते हैं उनके रूप में प्रस्तुत करिएगा, बाकी जो करना है वो आपके श्रोता करेंगे, समाज करेगा, समाज की साहित्यिक संस्थाएं करेंगी, आप केवल अपना काम करिए। मैंने तो इसी दृष्टि को सामने रखकर लगातार काम करने की कोशिश की, लोगों को अच्छा लगा तो उन्होंने पुरस्कार देने शुरू किए, लेकिन 3-4 पुरस्कार बड़े अहम मुझे लगते हैं। सबसे पहले तो काकाहत्रसी पुरस्कार है, जो हास्यरस का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, 1,00,000 रुपये की राशि उसमें दी जाती थी। राशि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि इस पुरस्कार की स्थापना काका हाथरसी जी ने अपने द्वारा, अपनी कविताओं से अर्जित धन से संचित करके, और ये कहा कि भाई इस धन का जो भी इंटरेस्ट आएगा उसके माध्यम से हम कवि को पुरस्कृत करेंगे।
तो हमारे कुल का हास्य रस का इतना बड़ा रचनाकार, उसके बनाए कोश का पुरस्कार मिले तो मन को प्रसन्नता होती है। दूसरा पुरस्कार मुझे मिला अट्टहास सम्मान, ये मुझे लखनऊ में दिया गया और मेरे साथ व्यंग के बहुत ही सशक्त, बहुत बड़े रचनाकार शंकर पुणतांबेकर जी, जो महाराष्ट्र में रहते थे और श्रीलाल शुक्ल और शरद जोशी की कोटि के रचनाकार थे, उनके साथ मुझे ये पुरस्कार मिला। तीसरा पुरस्कार जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा वो मुझे ओम प्रकाश आदित्य जी के नाम पर मिला, क्योंकि जिनके नाम से प्रभावित होकर, जिनकी शैली से प्रभावित होकर, जिनकी कविताओं से प्रभावित होकर आप अपना काम शुरू करते हैं और उन्हीं के ही नाम का पुरस्कार, उन्हीं के करकमलों से इतने बड़े जनसमूह में मालवीय नगर में वो सम्मान मुझे श्री बलराम जाखड़ जी ने दिया, जो उस समय पर कृषि मंत्री थे भारत सरकार में, तो वो भी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात। बहुत अच्छे। तो प्रवीण जी, आपको पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा जी से, लालू जी से, लालू यादव जी से, शत्रुघ्न सिन्हा जी से और बहुत सी फिल्मी हस्तियों से पुरस्कार मिले, तो आज आपको कैसा लग रहा है कि पूनम माटिया आपका इंटरव्यू कर रही हैं? ये तो पूनम जी आपने ऐसा प्रश्न किया है कि जिसका एक ही उत्तर है कि जितनी खुशी उन पुरस्कारों के मिलते समय हो रही थी उतनी ही खुशी इस समय भी हो रही है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वहाँ पुरस्कार एक समूह के बीच में दिया गया था, लेकिन ये जो माध्यम है आपका, इसके माध्यम से लाखों लोगों तक बात पहुँचती है और रचनाकार को धन के साथ जितनी खुशी मिलती है उससे ज़्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि उसके मन की बात मन से मन के लोगों तक पहुँचे। बहुत अच्छे। अच्छा, चलिए चलिए, ये तो खैर मजाक की बात हुई और अच्छी बात भी है कि आपने हमारे दर्शकों को एक अच्छी बात बताई कि जब लोगों के मन तक बात पहुंचती है और आपकी बात उन तक पहुंचती है तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खैर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि मैं जब जब आपसे मिली तब तब आपका एक अलग रूप मेरे सामने आया। हास्य कवि के रूप में, हास्य व्यंग कवि के रूप में मैं जानती थी, लेकिन कभी मैंने आपको गीतकार पाया, कभी मैंने आपको गज़लकार पाया, कभी आप बहुत सुंदर छंदबद्ध कविताएं पढ़ रहे हैं। तो आजकल के इस दौर में जब चुटकुले ही हास्य का पर्याय बन गए हैं, तब आप मंच पे कविता को जीवित रखे हुए हैं, ये कैसे करते हैं आप? देखिए पूनम जी, बचेगी तो कविता ही। ये हमारे विभिन्न संचार माध्यमों से एक कार्यक्रम आया, ग्रेट लाफ्टर शो, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा लोकप्रिय हुआ वो। मैं कार्यक्रम के बारे में प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन उस कार्यक्रम के बाद बहुत सारे लोगों ने यह समझ लिया कि केवल हंसाने से ही हास्य कवि बन जाता है। आप चाहे अपनी विभिन्न भाव भंगिमाओं से लोगों को हंसा दें, लतीफ़े सुनाकर हंसा दें, लेकिन ये विचार उचित नहीं है। हमारे यहाँ जो नवरसों का प्रतिपादन किया गया उसमें आप चाहे किसी भी रस की बात करें, लेकिन वो बात शब्द के माध्यम से होनी चाहिए, वो बात भाव के माध्यम से होनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ रचनाओं की शिल्पगत विशेषताएं हैं, आप किसी भी छंद की बात करते हैं तो उस छंद का एक स्वरूप है और रचनाकार को उसका निर्वहन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बात देर तक जाएगी, दूर तक जाएगी और लोगों के दिलों में पैठ तब बनाएगी जब आप उसे संजीदगी के साथ प्रस्तुत करेंगे और उस रस की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हुए प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल। तो प्रस्तुति के नाम पे मैं बीच में अपने दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए बिल्कुल आपसे एक निवेदन करूंगी कि एक रस का उनको आस्वादन कराएं, जो आपको मन करे। जो आपका मन करे आप बताइए। चलिए, आज के राजनीतिक परिवेश में आपकी सोच क्या कहती है, उस पर कुछ सुनाएं। देखिए पूनम जी, राजनीतिक परिवेश को लेकर बहुत सारी स्थितियां हैं। मैं दो छंद सुनाता हूं आपको। स्वागत। अभी चुनाव होने वाले हैं हमारे विभिन्न प्रदेशों में। कई बार राजनेता कैसे कैसे वायदे कर लेते हैं, एक छंद सुनिएगा। नेताजी ने वोटरों से कहा, यदि चाहोगे तो दाना पानी सभी को फ्री में दिलवाऊंगा।
कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो दाना पानी सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। और कैसे कैसे वायदे कर देते हैं जो संभव ही नहीं है। जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा, एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल। एक छंद में और आपको सुनाता हूँ। कई बार क्या गठबंधन की सरकारें बन जाती है और गठबंधन की सरकार में ऐसे ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनका राजनीति में समाज को दिशा देना मूल उद्देश्य नहीं है, अपना उल्लू सीधा करना मूल उद्देश्य है, और वो कई बार अपनी मांग मंगवाने के लिए किस प्रकार समर्थन देते हैं। ये एक मेरा बड़ा लोकप्रिय छंद है, इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया है, नींबू निचोड़ना। आप सब जानते हैं कि नींबू निचोड़ने से दूध फट जाता है, खराब हो जाता है। देखिए किस ढंग से ये मुहावरा आया है। एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजनेताओं के बीच इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं हो सकती। सलीका देखिए उसका कहने का। एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला पांचवें से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा। ऐसी भी स्थितियां। बिल्कुल बिल्कुल। नींबू निचोड़ने की बात से एक बात याद आई कि जो पारिवारिक संबंध है उनके विषय में आप क्या कहते हैं, और खासकर क्योंकि आप खुद एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, घर में बड़े छोटे पत्नी बच्चे सभी हैं, तो कुछ इस रिश्ते पे भी बताएं। नहीं, रिश्ते तो सबको लेकर अलग अलग है। मैंने गजल में लिखा था कि जीनी है जिंदगी तो जियो प्यार की तरह, क्यों जी रहे हो तुम इसे तकरार की तरह। क्या बात। मुझे लगता है कि यदि हम एक रचनाकार के रूप में बात करें और पूरी दुनिया के लिए, हिंसा का उत्तर हिंसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने गलत कार्य किया, दूसरा व्यक्ति भी उसका कार्य गलत जवाब से दे, एक ने एक को मार दिया, दूसरे ने बदले में दो को मार दिया, तो ये एक सकारात्मक सोच नहीं है। हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा, और यदि किसी भी वजह से दुनिया कभी समाप्त होती है तो मुझे लगता है कि यदि सब कुछ समाप्त होने के बाद इस दुनिया में कुछ बचेगा तो गांधी बचेंगे, गौतम बचेंगे, ईसा बचेंगे, नानक बचेंगे, कुल मिलाकर मोहब्बत बचेगी, प्यार बचेगा और इंसानियत बचेगी। और इसी रास्ते पर चलकर हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, हम दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा अपनी एक गज़ल के एक मतले में कि जीनी है जिंदगी तो जियो प्यार की तरह, क्यों जी रहे हो तुम इसे तकरार की तरह, क्यों जी रहे हो तुम इसे तकरार की तरह, और दो जख्मे भी दो गज जमी उनको ना मिलेगी, दो जख्मे भी दो गज जमी उनको ना मिलेगी, माँ बाप जिन्हें लगने लगे भार की तरह, जीनी है जिंदगी तो जियो प्यार की तरह। तो ये एक अलग तरह का रिश्ता है जिससे आप एक अलग तरह की संवेदना की उम्मीद करते हैं, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं, उनमें कुछ अलग तरह की स्थिति है। आपकी बात से मुझे दो बातें याद आई। एक तो आपने कहा गांधी रहेंगे, तो मुझे ध्यान आता है कि आपने गांधी शीर्षक से कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं शायद, तो मुझे कुछ अपनी पुस्तकों के बारे में बताएं। दूसरा प्रश्न मैं दोबारा बात ले करती हूँ। देखिए, मेरी अब तक 15 पुस्तकें प्रकाशित हैं, और गांधी पर मेरी एक किताब बहुत ही चर्चित हुई पूरे देश भर में। एक स्थिति तो ये थी कि पंजाब केसरी नामक अखबार ने एक पूरा बॉक्स छापा, और जिस वर्ष ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, सन 2011 या 12 की बात है, तो उन्होंने लिखा कि विश्व पुस्तक मेले में सर्वाधिक बिकने वाली किताब का नाम है गांधी और मैनेजमेंट। ये सर्वाधिक बिकी किताब, इतनी किताब बिकी कि मेरे प्रकाशक ने इसका 12 भाषाओं में अनुवाद करवाया।
जिस जिस दिशा से मांग आती गई वो उसका ट्रांसलेशन करवाते चले गए। मुझे लगता है भीतर से कि गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, गांधी एक विचारधारा का नाम है, जीवन शैली का नाम है। और हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए, लेकिन हमें इस देश को चलाने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, शोषित वर्ग के जितने भी लोग हैं, जो भी हमारा बिखरा हुआ समाज है, हमें उसको सबको एक साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। हमें जो समाज में पीछे रह गए हैं लोग, उनको अपने साथ मिलाना ही पड़ेगा। और ये सारी की सारी चीज़ें गांधी की विचारधारा में आकर समाहित होती हैं। उन्होंने किसी बिंदु पर इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए कोशिश भी की, प्रयास भी किए, तो बहुत हद तक मैं हृदय से उनकी विचारधारा से सहमत हूँ। इसलिए उस किताब की रचना इस कारण से हुई। इसके अलावा मेरे काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, एक किताब आई कहाँ वे कहाँ ये, जिसमें मेरी व्यंग की कविताएं हैं, एक पुस्तक आई हंसते हंसाते रहो, उसमें मेरी सारी छंदोबद्ध कविताएं हैं। हास्य रस में मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी में बहुत कम लोगों ने इस तरह का काम किया है जिसमें हास्य रस में छंदोबद्ध कविताएं लिखी गई हैं। एक पुस्तक आई तुम्हारी आँख के आंसू, उसमें गीत संग्रह है और मेरे हृदय से निकले हुए गीत हैं। और हाल ही में एक और पुस्तक इन दिनों आई है मेरी, वाणी प्रकाशन ने उसे छापा है, क्या करेगी हवा। मेरी अधिकांश पुस्तकें डायमंड बुक्स से छपी, फ्यूजन से छपी। नरेंद्र जी जो उसके मालिक हैं, वो भी मुझे बहुत प्रेम करने लगे, क्योंकि पुस्तकें बिकती रही और उन्हें लगा कि मेरा लेखक अच्छा लिख रहा है और बिक रहा है, तो वो भी इस प्रक्रिया में लगे रहे कि और किताबें आ जाएं तो अच्छा। बहुत अच्छे। और मैंने सुना आपको अभी संवेदना सम्मान भी मिलने वाला है जी। तो अभी जल्दी ही मिलने वाला है, तो उसकी अग्रिम शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूँगी। हम अपने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपको अपनी कविता के लिए, अपने काव्य के लिए, और मैंने सुना आपके स्कूल भी हैं, शिक्षण का कार्यक्रम है, आपका व्यवसाय भी है, तो कैसे आप इन सब में सामंजस्य बिठाते हैं, और पत्नी का खासकर संजना जी का कितना साथ मिलता है? देखिए कि ये बात मुझ पर भी लागू होती है और हिंदुस्तान के सभी कवियों पर लागू होती है, कलाकारों पर लागू होती है, राजनेताओं पर लागू होती है, कि बिना पत्नी के साथ के आप सामाजिक जीवन में बहुत आगे जा नहीं सकते, क्योंकि आपको समय की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं आपको निभानी पड़ती हैं। यदि आप सामाजिक कार्यों में जुड़ जाते हैं और आपका दायरा बढ़ता चला जाता है, तो ये तो सच है कि हम चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन हम अपने परिवार के टाइम को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में देना शुरू कर देते हैं। जो समय जाता है उसमें पत्नी के हिस्से का बहुत सारा समय चला जाता है, बच्चों के हिस्से का बहुत सारा समय चला जाता है। अब यदि ऐसी स्थिति में वो सामंजस्य स्थापित ना करें और आपके सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो जाएं, तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। कवित्री आगे बढ़ेगी तो उसको पति के साथ की ज़रूरत पड़ेगी, और कवि आगे बढ़ेगा तो उसे पत्नी के साथ की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा उसका लेखन भी रुक जाएगा और उसकी मंचों पर आने जाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी कुछ ना कुछ बाधा तो पैदा होने शुरू हो जाएगी। तो संजना जी का, पूरे परिवार का इसमें बहुत सारा साथ है। और मैं कई बार एक बात उन्हें बताता हूँ कि देखिए, पत्थर में से यदि मूर्ति बनानी है तो छेनी की चोट तो सहनी ही पड़ेगी, और यदि हमें जीवन में कुछ भी मिलता है, यश के रूप में, धन के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, लोकप्रियता के रूप में, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उसका लाभ भी पूरे परिवार को मिलता है और उसकी कीमत भी उस पूरे परिवार को चुकानी ही पड़ती है और चुकानी ही पड़ेगी। तो इसको चाहे आप कीमत मान लें, चाहे इसे आप सहयोग मान लें, चाहे जिम्मेदारी मान लें, चाहे कर्तव्य का नाम दे दें, लेकिन केवल पत्नी नहीं, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे पूरे परिवार का मुझे हमेशा सहयोग रहा है, और मुझे लगता है कि जितने भी पुरस्कार मुझे मिले हैं उन सब में उन सब की भी हिस्सेदारी। अच्छा प्रवीण जी, आप अपने काव्य पाठ के दौरान विभिन्न देशों में गए हैं, देश में भी और विदेश में भी गए हैं,
अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, बहुत जगह गए हैं, बहुत विदेश यात्राएं आपने की हैं, तो कोई कोई खास किस्सा आपके जहन में अब आ रहा हो हमारे श्रोताओं के लिए बताने के लिए? पूनम जी, यूँ तो अनेक किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा मैं आपको बता दूं। अमेरिका में हम लोग रिचमंड नामक एक जगह पर थे और मेरे साथ मेरे कवि मित्र थे डॉक्टर विष्णु सक्सेना। जब हम लोग रिचमंड एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ कुछ भारतीय जो अप्रवासी थे, अमेरिका में रहते थे, वो हम लोगों को रिसीव करने एयरपोर्ट पर आए। जब हम लोग उनकी गाड़ी में बैठ गए उनके साथ, तो अचानक विष्णु जी ने एक साथ वाले सज्जन से पूछा, सर आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि मेरा नाम डॉक्टर डागर है और मैं यहाँ पर डेंटिस्ट हूँ। अचानक विष्णु जी ने ये कहा कि मेरे दांत में थोड़ा दर्द है, कल से मुझे परेशानी हो रही है। तो डागर साहब ने चलती हुई गाड़ी में कहा कि कोई बात नहीं है, देख लेंगे। जब हम लोग होटल पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि चलिए आपका दांत देखते हैं। हम कवि मित्रों ने, विष्णु जी ने उनसे कहा कि देखिए सर, अब तो बहुत थकान है इस समय और अब दांत दिखवाने का मन नहीं है, अब तो आराम करने का मन है, प्रोग्राम के बाद में देखेंगे। शाम को 7 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, 10 बजे के आसपास ख़त्म हुआ। फिर हम लोग डिनर करने चले गए राकेश दुबे जी के घर पर। रात को 11:30 बजे डागर जी ने कहा भी आपको अपना दांत दिखवाना था, वो दांत का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी अब देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी देख लूँगा, इसके लिए तो क्लिनिक पर चलना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको क्लिनिक के लिए बिठाया अपनी गाड़ी में और वो 40 मिनट की ड्राइविंग करके अपने क्लिनिक पर लेकर गए। मैंने ऐसा अद्भुत क्लिनिक पूनम जी हिंदुस्तान में देखा नहीं, वो प्राइवेट क्लिनिक था। डागर जी रिमोट खोलते जा रहे थे, बंद करते जा रहे थे और उसके शटर उठते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। अंदर गए तो वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट, वो पहले से उन्होंने बुला रखी थी, उनके पास भी रिमोट होगा क्लिनिक का, बैठी हुई थी। वो हम लोगों को इस तरह से देखने लगी जैसे कोई दुनिया का 7वां आश्चर्य उनके सामने आ गया। यही मैं आपको कारण बता रहा हूँ। विष्णु जी अंदर चले गए, उनके जो भी सर्जरी का रूम था या जहाँ वो डॉक्टर साहब देखते थे, 4-5 मिनट तक वो मेरे चेहरे को आश्चर्य से देखती रही। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम प्रवीण शुक्ल है। तो बड़े संकोच से उन्होंने, आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं कवि हूँ, मैं लेखक हूँ। वो भी भारतीय थी, हिंदी में बात कर रही थी। फिर वो चुप हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे इस तरह के सवालात क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से डॉक्टर साहब के साथ हूँ, लेकिन रात को शाम को 7 बजे के बाद 25 वर्षों में ये क्लिनिक कभी भी नहीं खुला। 25 वर्ष में ये पहला मौका है कि डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि इमरजेंसी है, आओ और क्लिनिक खोलो। तो मैं आश्चर्य में हूँ कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और आपको पता है कि डॉक्टर साहब से मिलने के लिए वेटिंग की क्या स्थिति है? मैंने कहा क्या स्थिति है? तो उन्होंने कहा कि यदि कोई डॉक्टर साहब को दिखाना चाहे तो इस समय 6 महीने की वेटिंग है, 6 महीने के बाद की तिथि आपको मिलेगी। तो मुझे ये भाव लगा कि ये हाँ, हम क्या बेचते हैं? हम ना तो धन में उनसे बहुत बड़े हो सकते और उस विधा में जिस ज्ञान के वो जानकार हैं उसमें भी वो कहीं ना कहीं हम लोगों से बहुत आगे हैं, लेकिन ये कविता के प्रति एक नज़रिया है, कविता के प्रति एक सम्मान है, कलाकारों के प्रति एक आदर है कि 7 समंदर पार बैठा हुआ एक डॉक्टर अपने उस क्लिनिक को जो 25 साल में बड़े से बड़े धनवान के लिए कोई हजारों डॉलर लेकर चला जाए, लाखों रुपये लेकर चला जाए, तो उस आदमी के लिए उस धन की कोई अहमियत नहीं है, वो नहीं खोलेगा। लेकिन यदि आप एक अच्छा सा मन लेकर चले जाएं, अच्छी सी कविता लेकर चले जाएं, तो वो क्लिनिक नहीं खुल रहा, एक दूसरे देश में एक दूसरे देश के आदमी के हृदय का द्वार खुल रहा है कि मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप आइएगा, मैं हर तरह से आपके सहयोग के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ।